दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मैंने कि पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि यूएफडी मेथड के बारे में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं आपको कि आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यूएफडी मेथड से आप कैसे एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं टोटल 64 मॉडल का, ठीक है। सैमसंग का जो 64 अलग अलग मॉडल मोबाइल है उन सबका जो एफआरपी आप जो यूएफडी मेथड से जो है आप अनलॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैमसंग टूल हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं कि अल्टीमेट फ्लाशर यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो सैमसंग का जो टूल है जो एफआरपी टूल है ये ओपन हो चुका है हमारे सामने। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टूल एफआरपी है यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो कई ऑप्शन है यहाँ पे देख रहे हैं कि यूएफडी मेथड, ठीक है। तो यूएफडी मेथड को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे कोई भी मॉडल जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ये इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि इसमें जो है एफआरपी फाइल हमारे पास मौजूद नहीं है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एफआरपी फाइल आपको डाउनलोड करना होगा और इसकी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो फाइल है एफआरपी फाइल, तो इस फाइल को हमने जो है टोटल अलग अलग फाइल होता है इस सबको हमने इकट्ठा करके टोटल 1 GB में कन्वर्ट कर दिया है आप लोगों के लिए। आप इस सॉफ्टवेयर को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे इस सॉफ्टवेयर को आप एक्स्ट्रा हेयर करेंगे उसके बाद इसमें से एक फोल्डर बनेगा और उस फोल्डर के अंदर में जो है टोटल 64 अलग अलग मॉडल का जो एफआरपी फाइल होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि सैमसंग मोबाइल का जो एफआरपी फाइल होता है तो वो सिंगल एक मॉडल के लिए एक फाइल होता है और अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको अलग अलग मॉडल का जो है सिंगल सिंगल फाइल आपको डाउनलोड करना होगा, लेकिन मैंने टोटल कुल 64 मॉडल का एफआरपी फाइल जो है आप लोगों के लिए मैंने जो है कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इस फाइल को कैसे आपको जो है क्या कैसे यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फाइल को मैंने जो फोल्डर बनाया ऑटोमेटिकली इसके अंदर में यहाँ पे टोटल 64 मॉडल का जो है एफआरपी फाइल मौजूद है, ठीक है। तो आपको करना है क्या कि ये सारे फाइल को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने माइक कंप्यूटर को जो है ओपन करना है, ठीक है। तो माइक कंप्यूटर को जैसे आप ओपन करेंगे उसके बाद आपको सी प्रोग्राम आपको ओपन करना है, ठीक है। तो सी प्रोग्राम जैसे आप ओपन करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यूएमटी टूल को आपको ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्टीमेट जीएसएम इसके इस फोल्डर को आपको जो है ओपन करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि एक एफआरपी नाम का एक फोल्डर होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एफआरपी नाम का फोल्डर है, इस फोल्डर को आपको ओपन करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है टोटल फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों आपने देखा टोटल 64 मॉडल का एफआरपी फाइल जो हमने जो है उसमें जो है पेस्ट कर दिया है। उसके बाद चलिए इस सबको हमने क्लोज कर दिया है। उसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे बताना चाहेंगे कैसे आप जो है एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्टीमेट टूल पे जो हमने फिर से एक बार यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और जैसे यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे फिर से ये सैमसंग टूल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो है टूल ओपन हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे टूल एफआरपी पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएफडी मेथड इसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मॉडल पहले नहीं आ रहा था यहाँ पे कोई मॉडल नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे टोटल जितनी फाइल मैंने डाली है एफआरपी फाइल अब यहाँ पे सारा ये मॉडल शो कर रहा है। अब करना क्या है आपको, मान के चलिए आपको किसी भी मॉडल का अगर आपको एफआरपी अनलॉक करना है तो जो भी आपको जिस मॉडल का आपको एफआरपी अनलॉक करना है तो उस मॉडल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि मोबाइल को चाहे आप ऑन करके लगा दें कंप्यूटर में, चाहे आप डाउनलोडिंग मोड में लगा दें, ठीक है। तो ज़्यादातर आप ऑन करके ही लगाएं मोबाइल को, ठीक है। ऑन करके लगाएंगे और जैसे आप अप्लाई भी देंगे मोबाइल को, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल जो है डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा, ठीक है। या आप डायरेक्टली भी जो है डाउनलोडिंग मोड पर मोबाइल को लगा सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद जब डाउनलोडिंग मोड पर आप लगा देंगे मोबाइल को तो आपको ऊपर में जो वहाँ पे पोर्ट आपको जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक बार रिफ्रेश करना होगा और जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे सैमसंग का जो यूएसबी पोर्ट है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद करना क्या है आपको कि आपको जो है अप्लाई दे देना है पहले, ठीक है। तो कोई भी मॉडल का जब एफआरपी आप अनलॉक करेंगे तो पहले आपको जो है यहाँ पे सैमसंग का जो पोर्ट है आपको रिफ्रेश करके, ठीक है, जब ये पोर्ट यहाँ पे शो हो जाएगा तो उसके बाद आपको सिर्फ अप्लाई देना है पहले, ठीक है। डायरेक्ट एफआरपी आपको अनलॉक नहीं करना है, पहले आपको अप्लाई देना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं अप्लाई दे रहा हूँ लेकिन मेरे पास जो ये जो मॉडल मैंने सेलेक्ट किया है ये मॉडल मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास अभी J2 Pro का है। तो मैं आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए फिलहाल मैंने इस मोबाइल को लगा दिया है, ठीक है, क्या आपको दिखाने के लिए आपको समझाने के लिए कि कैसे आप एफआरपी किसी भी मॉडल का अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं J2 Pro को J210 को F को जो मैंने इस मोबाइल में लगा के रखा था, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड पर ये लेकर चला गया, ठीक है। मोबाइल को ऑन करके हमने लगाया था, ऑटोमेटिकली मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड पर लेकर के चला गया ये और ऑटोमेटिकली जो है ये अप्लाई करेगा
अप्लाई जो FRP पैकेज है इसे ये अप्लाई जो है एक्सेप्ट करेगा। ये अगर अप्लाई FRP रिसेट फाइल जो अगर ये डन लिखता है यहाँ पे, तब जाकर के आप जो है फिर यहाँ पे ऊपर में एक बार फिर से रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद तब आप जाकर के जो है FRP रिसेट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे हमने अप्लाई किया था तो इस मोबाइल को, तो मेरा ये जो सेम मॉडल जो मॉडल मैंने सिलेक्ट किया था यहाँ पे, वो मॉडल तो इसमें मैंने लगाया ही नहीं। मैंने तो यहाँ पे J2J210 को F को लगाया है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ये मॉडल यहाँ पे शो कर रहा है और ये जो अप्लाई जो है ये नहीं हो चुका है, ठीक है। ये फेल लिख रहा है, ये फेल इसलिए लिख रहा है क्योंकि मैंने जो है गलत मॉडल लगाया है इसमें, ठीक है। तो आपको जब भी FRP अनलॉक करना है तो आप जो भी आपके पास मोबाइल रहेगा उस मॉडल को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद इस तरह से कुछ प्रोसेस चलेगा आपका, ठीक है। उस प्रोसेस चलने के बाद जो है उसके बाद एक बार आपको फिर से ऊपर में पोर्ट को रिफ्रेश कर देना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट जो है रिसेट FRP पे क्लिक करके FRP रिसेट करना है। तो इस तरह से आप जो है जो भी UFD मेथड में जो भी मोबाइल सपोर्ट है उसका FRP आप अनलॉक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।